गाइस, मैं आपका फ्रेंड ब्रह्मर्षि भार्गव क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन टेक चैनल में आपका भैया स्वागत करता हूं। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर साइन इन करेंगे जीमेल अकाउंट से, और जब हमारा जो सब्सक्राइब का बटन होगा तो उसको आप सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये गाइस विदाउट फ्री कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। अगर आपको लगे कि मैं सब्सक्राइब बोलता हूँ आपको लगे कि फ्री कॉस्ट लगेगी, कि कोई कॉस्ट नहीं है गाइस, तो इससे होगा क्या गाइस, वो भी हम अपने आगे आने वाले टाइम में अमेजिंग वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप वो वीडियो हल्की हाल देख सकते हैं। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो फिर गाइस बस यही है, और आज का टॉपिक है गाइस उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है जिनके स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट नहीं है। तो वो गाइस किस तरीके से अपने स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट को यूज करके उसको अनलॉक कर सकते हैं, तो गाइस पूरा वीडियो देखें, कुछ में छोड़ना नहीं, पूरा स्किप ना करना, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और आप भी उस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने जाने वाले हैं कि कोई भी स्मार्टफोन जिसमें फिंगरप्रिंट नहीं होता उसमें हम फिंगरप्रिंट को कैसे इनेबल करते हैं, और ये गाइस रियल है, तो पूरा वीडियो देखते रहें, नहीं तो आप कुछ मिस कर देंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब गाइस सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर में जाना है, आई सी ही लिखना है, जहाँ ये रियल दिख रहा है आपको ये आइकॉन, तो इस पर क्लिक करना है और कोई से उसमें मत लेना गाइस, सिर्फ आई सी ही लिखना है। अब ये आई सी अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसको इंस्टॉल करना है आपको, एक्सेप्ट कर लेना। मैं आपको इसलिए डाउनलोडिंग करके दिखा रहा हूँ कि कई लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वो गलत इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर काम नहीं करता, तो बोलते हैं यार ये तो काम ही नहीं कर रहा हमारे मोबाइल में। ये मैं गाइस आपको अपने लेनोवो K3 नोट पर करके दिखा रहा हूँ, तो जिस इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है, तो आप देखते रहेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले तो इसको पूरा इंस्टॉल हो जाने दीजिए। थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम लग रहा है इसमें, आप पूरी प्रोसेस को देखिए कि किस तरीके से ये फिंगरप्रिंट इनेबल होता है आपके मोबाइल में, और काम भी अच्छा करता है। ऐसा नहीं है ये गाइस कि काम अच्छा नहीं करे, उस तरीके से तो नहीं करेगा जिनमें इनेबल्ड है, लेकिन हाँ ऐसे भी नहीं करेगा कि आप संतुष्ट ना हो। तो मैं ऐसा कोई भी बनाऊंगा भी नहीं वीडियो जो आपको अच्छा ना लगे, तो आप पूरा अब जो देखिए ये पूरा 100% हो चुका है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करते जाना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए इंस्टॉलिंग आई सी नो फिंगरप्रिंट स्कैनर, अब देखिए ओपन होगा तो ये एग्रीमेंट मांगेगा कुछ, तो लेट्स गो कर देना है टिक करके। यू मस्ट क्रिएट अ पिन, कोई भी पिन क्रिएट करना है तो कंटिन्यू कर देना, जैसे क्योंकि हम फिंगरप्रिंट डाल भूल जाएं या कुछ नहीं हुए तो हम ये पिन डाल के खोल सकते हैं, तो कोई भी पिन डाल देना। मैं ये डाल देता हूँ 2243, कंटिन्यू 2243 एक एग्जाम्पल के लिए। एक मिनट, करेंट कन्फर्म पिन नहीं मैच करी, 2243, ये देखिए 2243 काम कर गई है। अब आपको क्या करना है गाइस, ऐसे करके पहले इसको सारा स्किप कर दीजिए, वो बताने के लिए एनरोल, कंटिन्यू टू एनरोल करना है आपको, डोंट शो दिस गाइड अगेन, कंटिन्यू टू एनरोल। अब आपको कौन से हाथ की करना है, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की, मैं राइट हैंड की उंगली करूँगा, और मैं ये वाली उंगली, ये उंगली आपको डिसाइड करना है कि कौन सी राइट हैंड की उंगली करना है। जैसे मैंने ये उंगली डिसाइड कर ली गाइस, ये थोड़ा सा बंद हो गया अभी एकदम से, ये देखिए आपका करना क्या है, आपको इस उंगली को थोड़े से दूर रख के अपनी ये जो स्पेस दिख रहा है उसमें सेट करना है। अब जैसे ही आप सेट करेंगे तो आपको ये बता भी रहा है मेथड कि किस तरीके से करना है, फोकस लेगा वो, और ये देखिए उसने एक बार ले लिया, थोड़ी सी प्रोसेस लंबी होगी, ये ग्रीन आ गया है, आप उंगली को हिलाएं ना, ये देखिए सेकेंड टाइम हो गया, ये देखिए तीसरे टाइम भी हो गया, ये देखिए चौथे टाइम हो गया है। इंगली को हिलना नहीं चाहिए गाइस, नहीं तो वो ले नहीं पाएगा, फिर पांच बार हो चुका है, ये सात बार लेता है गाइस ऐसे,
इसमें बताया भी गया है कि किस तरीके से रखना है, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एंगल फ्रंट इमेज वेरिफिकेशन हो चुका है, मैच कन्फर्म्ड हो गई है। अब यूज़ दिस फिंगरप्रिंट, ऑलवेज कर देना है, ओके सेट द डिफ़ॉल्ट करना होगा आपको, अनलॉक ऑलवेज। इस पर जैसे ही देखिएगा, जैसे ही ये सिलेक्ट ऐसा मैंने उसको दबाया, तो आप ICE अनलॉक को सिलेक्ट करेंगे और ऑलवेज को टिक कर देंगे। ये देखिए, ऑलवेज को टिक कर दिया आपने। अब देखिए, ये आपका लॉक लगा हुआ है, तो ये मांग रहा है होम स्क्रीन पर। जैसे ही हम इसको करेंगे, ये देखिए गाइस, इसने लिया, फिंगरप्रिंट इमेज लॉक हो गई और आपका मोबाइल खुल गया। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस बताई, है ना गजब की ट्रिक। हम फिर से एक बार आपको एक बार लॉक लगा के बता देते हैं अपने स्क्रीन लॉक। ये देखिए गाइस, मैंने ये स्क्रीन लॉक करी, अब स्क्रीन लॉक करी, अब मैं जैसे ही इसको खोलूँगा, ये देखो ये मांगने लगा फिंगरप्रिंट, आ गया गाइस सामने। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपनी उंगली को थोड़ा सा पास लाना है, उसके घेरे में रखना है और ये एंड्रॉइड लेगा वेरीफाई सक्सेस, सक्सेस आ गया, आपका मोबाइल खुल गया। तो ये है ना गाइस कमाल की चीज़। तो आपके इसमें भी फिंगरप्रिंट आ सका है। अब जैसे कोई भी इसको करना चाहे, अब मान लो गाइस, अब उसकी फिंगर ये देखो, अब उसने खोला, ये आ गया, अब बोल रहा है नहीं है, हम इससे नहीं खुल पा रहा है, तो सिर्फ सीधी गाइस इस पर करें। अब उसको उसकी उंगली काम नहीं कर रही उस वक्त, और उसको खोलना है इमरजेंसी में, तो कुछ नहीं करना, उसको वही अपनी पिन डालना है 2243 जो मैंने डाली थी, ओके कर देंगे तो ये खुल गया गाइस। तो आपको अगर ऐसा लगे कि मेरी फिंगर काम नहीं कर रही इस वक्त, या कैमरा ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो आप, मैंने जैसे अभी बताया फिर से एक बार बता देता हूँ, आप गए, आपने लॉक खोला इसका, ये देखिए ये फिर से मांगेगा फिंगरप्रिंट। अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहते तो एक कीबोर्ड जैसा साइन दिखेगा, इसमें मैनुअली जो आपने उस वक्त पिन सेट किया था उसको ध्यान रखें, और 2243 जैसे मैंने उस वक्त ये डाला था, आप जो भी डालेंगे आप बोलेंगे ये अपने आप खुल जाएगा, हो गया। ठीक है गाइस, तो ये पूरा मैंने आपको एक बार मेथड बता दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट लिखें कि कैसा लगा वीडियो। ऐसा नहीं कि सजेशन के लिए आप लिख सकते हैं, सजेशन और प्रॉब्लम तो मैं आपको बोलते ही हूँ हमेशा, आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो भी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर दें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल दूसरों तक भी पहुँचे, और लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गाइस। और प्लीज़ वीडियो को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखें, लॉग इन करके देखें, तो आपको, आप जब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर आप लॉगआउट होके देखेंगे या वैसे देखेंगे विदाउट लॉगिन, तो ये वो सब्सक्राइब का मांगेगा, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब गाइस। तो सब्सक्राइब करने से आपके कोई भी पैसे नहीं जाएंगे, एक बटन क्लिक करना और आपको सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब होने से ये होता है कि हम जो भी अमेजिंग वीडियो डालेंगे तो आपको पता पड़ता जाएगा। तो बस अब आज के लिए इतना ही गाइस, तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।